Hey guys, my name is Om Karate and welcome back to my channel, The Indian Moto Ventures. So, जैसे कि मैंने last video में कहा था कि मैं एक video बनाऊंगा clutch cable का maintenance कैसे करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो Himalayan owners हैं वो complain करते हैं कि जो उनका clutch lever है वो थोड़ा hard हो जाता है, ठीक है, या फिर hard लगता है उनको. तो हमें जो है हमारा क्लच केबल जो है वो भी रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग ने देखा लास्ट वीडियो में हमने चेन को मेंटेन करा था, तो वैसे ही सेम हमें हमारा क्लच केबल जो है वो क्लीन करके हम लूप कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा क्लच है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इजीली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड राइडिंग. सो इससे जो है हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है और जो भी दिक्कत आती है ज़्यादातर कि स्पेशली फॉर हिमालयन ओनर्स, दे कैन डेफिनेटली चेक दिस वीडियो टिल द एंड. सो स्टे ट्यून गाइस, क्योंकि ये वीडियो आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट दिस इज गोना हेल्प यू डेफिनेटली. सो स्टे ट्यून गाइस एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो जैसे कि आप सारे देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखो कितना सूखा हुआ डस्ट और जो भी ऑयल है और जो हमारी केबल है वो भी बहुत ड्राई है. तो ये बहुत दिनों से मैंने मेंटेन किया नहीं था, मतलब इसका क्लीनिंग और लुब्रिकेशन किया नहीं था, तो आज मैं ये करूँगा. आपको पता चल जाएगा, ये देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है. तो नॉर्मली अगर हम सारी बाइक्स में देखें तो ये ऐसे ही होता है, जब भी मतलब सर्विस सेंटर वाले यहाँ पर नॉर्मली ऑयल डाल देते हैं लेकिन वो प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं करते. तो ये टेक्निक जो है वो मैंने किसी मैकेनिक से ही देख के सीखा था मैं, तो बहुत ही सिंपल DIY है और इजीली कोई भी कर सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. इस प्रोसेस के लिए चाहिए हमें एक पॉलीथीन या फिर कोई भी रैपर, जैसे कि चिप्स का हो गया या फिर बिस्किट का हो गया. तो एक ये नॉर्मल साइज़ का रैपर है, तो एक रैपर, एक स्पैनर जो 12 नंबर का जो कि हमारी टूल किट में आता है, दो चार रबर बैंड्स, एक सीज़र, डीजल और एक गंदा कपड़ा. तो इस प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, जो हमारा रैपर है मैं उसको उल्टा कर लूँगा और उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका एक कॉर्नर है उसको हल्का सा कट करना है, इतना कट करना है कि जो हमारी क्लच केबल है वो इसके अंदर जा सके. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अभी सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं. सेकेंड स्टेप स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा क्लच है केबल इसको पूरा यहाँ से अनस्क्रू करके निकाल देना है. तो ये भी नट निकालना पड़ेगा हमें और ये वाला जो इसका कवर आता है वो भी निकालना पड़ेगा. ये भले ही ख़राब हो गया, तो लेट्स सी, मेरे पास अगर स्पेयर रहेगा तो मैं ये चेंज कर दूंगा. तो इस पर भी आप देख रहे हो यहाँ पे काला काला जम गया है. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज इस रीज़न से हमारा जो क्लच है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है. यहाँ से मैंने इतना अनस्क्रू कर दिया है, इसको साइड रखता हूँ और अभी आते हैं ऊपर. तो ऊपर से जो है हमें हमारा क्लच केबल जो है पूरा यहाँ से निकाल देना है. सो यू कैन सी यहाँ पे भी दिख रहा है कितना काला हो चुका है. यहाँ पे भी एक ऊपर से बुश टाइप रहता है ताकि गंदगी अंदर ना जाए. तो इस तरह से मैंने ये एंड खुला कर लिया है ऊपर और नीचे एंड जो है वो हमारा खुला है. तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप थ्री. तो स्टेप थ्री जो है वो सिंपल है. ये जो हमारा रैपर है इसको हमने ऐसे डाल के यहाँ तक लेके जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है, बस यहाँ तक लेके जाना है. तो इसको ऐसे रैप करके हमने जो है रबर बैंड लगाने, लेकिन एकदम ऊपर भी नहीं लगाना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के लगाना है. तो मैंने अच्छा खासा रबर बैंड को जो है लपेट लिया है. तो इस तरह से ये हमारा फनेल बन जाएगा. सी, इस तरह से जो है हमारा ये फनल बन चुका है. तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा एक्सेसिव बड़ा है तो आप इसको सीजर से काट सकते हो. तो ये मैं थोड़ा सा जो है वो उसको हाथ में कट कर दूंगा.
ताकि एक अच्छा एक फनल टाइप यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो है मैं ये थोड़ा ऊपर ले लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा अकॉर्डिंगली, और इसके बाद मैं डीज़ल को हल्के हल्के जो है ना यहाँ पे क्लच केबल पे छोड़ूंगा। इससे आगे पीछे करना है अपने, और ये करते वक्त हमने देखना है कि जो ये वाला अदर एंड है यहाँ से वो बाहर आ रहा है कि नहीं। तो हम इसे नीचे से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऊपर से डीजल डालते रहेंगे इस तरह से, ऊपर नीचे करना है। देखो तो ये मेरा क्लच केबल है, पहले कितना हार्ड था, अब ये पूरा फ्री हो चुका है, ऑलमोस्ट अच्छी तरह से डीजल अंदर जा चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है थोड़ा और डीजल डालेंगे। ये किस तरह से मैंने डीजल का लेवल जो है वो वायर के एंड के थोड़ा ऊपर रख के वायर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ये देखो डीजल पूरा सोक कर लिया उसने, तो लेट्स सी अनदर एंड। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, देखो अनदर एंड से भी ये देखो पूरा जो सूखा हुआ मटेरियल था वो सारा बाहर आ चुका है। कैन यू सी दिस, ये सारी अंदर की गंदगी थी, डस्ट रही थी या फिर जो भी रहता है वो सारा बाहर आ चुका है, और हमारा वायर जो है क्लच वायर जो है वो अच्छी तरह से फ्री हो चुका है। और ये करते हुए हमने ऑब्जर्व भी करना है कि हमारा क्लच केबल किधर से, मतलब इस पर कुछ वेयर एंड टेयर तो नहीं है, तो हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है आपको एवरी 1000 किलोमीटर्स या 2000 किलोमीटर्स आप कर सकते हो, डिपेंड है। तो ये अच्छी तरह से डीजल जो है उसके अंदर जा चुका है, इसे थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहेंगे ताकि जो भी गंदगी है वो बाहर आ जाए। ये देखो कितना नीचे गिर ही रहा है, बल्कि मैं ऊपर से अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट भी कर लेता हूँ, स्टेक क्लॉथ, और जो एक्सेसिव डीजल है वो मैं इसमें कपड़े में ले लूँगा, ताकि जब लूप करने की बारी आए तो डीजल बचे नहीं उसमें ज़्यादा। तो इधर से भी देखिए, इधर से जो भी काला काला था वो सारा निकल आ चुका है हमारा बाहर। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन वायर। तो ये जो हमारा फनल था इसको मैं ऐसे थोड़ा इन्वर्ट कर लेता हूँ, और क्लॉथ से इसको थोड़ा एक्सेसिव डीजल जो था वो हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये तो सारा क्लीन हो गया, वायर क्लीन हो गया। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग हमारा जो भी क्लच लीवर है, क्योंकि अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि कितना डस्ट जमा हुआ है वहाँ पे, तो वो भी हमने क्लीन करना है। तो वो क्लीन करने के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है, ना एक्सेसिव टूल, बस आपको कपड़े में हल्का सा डीजल लेके, ये देखिए साफ हो गया, ये देखिए कितना गंदगी आ गई बाहर। तो ये एरिया भी हमारा क्लीन हो चुका है, अभी देखते हैं डाउन में हम लोग क्या क्लीन कर सकते हैं। सो यू कैन सी ये यहाँ पे, इस पे भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा डीजल डालूंगा यहाँ पे हल्का, चेन में भी अपना स्प्रिंग में भी थोड़ा डालूंगा, इसमें भी थोड़ा डालूंगा, और उसके बाद इसको एक्सेसिव जो भी डीजल रहेगा हम इसको वाइप कर देंगे। सो एज़ यू ऑल कैन सी हम लोग जो है हमारा क्लीनिंग प्रोसेस से डन हो चुका है, और अभी मैं जो है हमारा नॉर्मल चेन ल्यूब है वो मारूंगा। तो थोड़ा सा मैं जो है क्या करता हूँ, क्लच केबल को ऊपर खींच लेता हूँ। ये देखो अच्छी तरह से फ्री हो गया है, पहले तो ये चल भी नहीं रहा था, मतलब थोड़ा हार्ड चल रहा था। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छे से इसको शेक कर लूँगा, और उसके बाद देखिए तो मैंने स्प्रे कर चुका हूँ अच्छा खासा अमाउंट। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये दिख रहा है लुब्रिकेंट इसमें है फनेल में हमारे। तो जैसे मैंने डीजल डाला था वैसे ही सेम प्रोसीजर से मैं लुब्रिकेंट को है वो अंदर डालूंगा, और आई विल मेक श्योर कि वो पूरा अच्छी तरह से अंदर चला जाए। तो अंदर चला जाए वो देखना कैसे है, जैसे हमने डीजल देखा कि वो नीचे से बाहर आ रहा है कि नहीं, तो बस हमने वही चेक करना है।
कि जो हमारा ल्यूब है, आई थिंक मैंने सफिशेंट ल्यूब ले लिया है, तो लुब्रिकेंट इज़ नॉट देयर, यू कैन सी, इसका मतलब वो अंदर चला गया अच्छी खासा. सो लेट्स चेक आउट अदर एंड. सो सी नाउ यू कैन सी यहाँ पे लुब्रिकेंट जो है हमारा इसके थ्रू यहाँ पे आ चुका है. और जैसे कि आपने देखा था, मैंने डीजल जो था वो सारा निकाल दिया था. और ये देखो वायर भी है हमारा, क्लच केबल अच्छी तरह से बहुत ही ईजिली और लाइटली मूव कर रहा है, जो कि पहले हार्ड था. तो ये हमने क्या करना है, इसको अंदर डाल लेना है अच्छे से, और जो इसका नट बोल्ट था वो लगा लेना है. इसका नट बोल्ट भी लग चुका है, ये अंदर भी जा चुका है. तो ये जो मैंने नया इसका बुशिंग लाया था रबर गॉज, तो वो मैं लगा दूंगा ताकि जो इसके अंदर है डस्ट ना जाए. तो इसके अंदर जा चुका है, मैंने इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है ताकि अंदर कुछ ना जाए. सो वी आर डन विद दिस फनल. इसने बहुत ही अच्छी हेल्प की हमारी, आप लोगों ने देखा ही रहेगा. तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ और वायर को जो है अच्छे से क्लीन करके, जो भी एक्सेसिव ल्यूब और डीजल था वो मैंने सोक कर लिया है कपड़े में, रबर्स भी निकाल दूंगा. सो इसके पहले मैं क्या करूँगा, इसको पहले ल्यूब कर लूँगा, क्योंकि इसे भी हल्के ल्यूब की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं लगेगा. तो हल्का सा उसमें मार दिया है मैंने, उसके बाद थोड़ा इसको मूव कर लो. और जो क्लच है हमारा इसका केबल, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है. अभी मैं इसको नीचे से इंस्टॉल करूँगा, तो ये इसमें भी इंस्टॉल हो चुका है. तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा क्लच जो है वो एडजस्ट करूँगा अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से जो है वो मेरे क्लच को एडजस्ट कर लूँगा. तो दिस इज़ सफिशेंट आई गेस, वो प्ले वगैरह देख के उसको मैं एडजस्ट कर दूँगा. सो दिस इज़ हाउ यू शुड यू नो क्लीन एंड ल्यूब योर क्लच केबल, जिससे कि आपका जो क्लच लीवर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. गाइस ये ट्राई करके देखिए, दिस इज़ रियली इफ़ेक्टिव. अगर आप हिमालयन ओनर हो, किसी भी बाइक पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिमालयन ओनर हो तो स्पेशली ये करके देखिए, क्योंकि ये मैं जब से मैंने बाइक ली है तब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे आज तक मतलब इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, बहुत अच्छा मतलब डिफरेंस पता चल जाता है कि हमारा क्लच जो है बहुत ही स्मूथ हो जाता है. जो मेरा क्लच केबल है बहुत ही अच्छा लाइट हो गया है, देखिए मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल. राइट गाइस, सो जैसा कि सब लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से क्लच केबल जो है उसको पहले क्लीन किया यूजिंग डीजल, और उसके बाद कैसे उसको ल्यूब किया. तो ल्यूबिंग के लिए हम लोग नॉर्मल चेन का ल्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो 90 नंबर ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, जो इंजन ऑयल होता है या फिर जो भी ऑयल मिलता है नॉर्मली जो मशीन में डालने के लिए मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो क्लच वायर है, जो क्लच वायर के कवर के अंदर रहता है, वो थोड़ा स्मूथली ऑपरेट होता है, और जिससे हमारा जो क्लच है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, और इससे जो है हमारी गियर शिफ्टिंग जो है वो भी स्मूथ हो जाता है, और एक राइडिंग एक्सपीरियंस हमारा बेटर हो जाता है. तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर करिए, और लाइक बटन दबाना मत भूलिए. और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो या फिर लाइक करते हो या फिर शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.